तो भाइयों और दूसरों की बहनों, आज अपन बात करेंगे दिवाली के बारे में। तो यार, जब मैंने YouTube के ट्रेंडिंग पेज को ओपन किया तो पूरा ट्रेंडिंग पेज दिवाली के वीडियो से भरा पड़ा था। तो मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बना डालता हूँ दिवाली पे। तो ये वीडियो मैं सडनली बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो और थोड़ा कोऑपरेट रहो, ठीक है? तो भाइयों और दूसरों की बहनों, नए नए कपड़े पहनो क्योंकि आ गई है दिवाली, और पटाखे भी फोड़ो। नहीं तो यार, पटाखे से याद आया, कुछ बच्चे लोगों के बाइक के पीछे पटाखे फोड़ते हैं। इनको कोई और जगह नहीं मिलती। इनको क्या लगता है, बाइक के साइलेंसर के पीछे पटाखे फोड़ने से ये बाइक घोस्ट राइडर बन जाएगा क्या? सालों से छुपे देश का टैलेंट इस दिवाली को फटके बाहर आ जाता है। मतलब पटाखों के साथ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है न्यूटन आइंस्टाइन तो यूं ही फेमस है, असली टैलेंट तो इनमें है। और इन सब पटाखों वाले एक्सपेरिमेंट वीडियो में 10-12 मिलियन व्यू, यहां दिवाली पे दिवाला निकला हुआ है हर वीडियो में 100-200 व्यू, और ऐसे घटिया वाहियात वीडियो पे 10-10 मिलियन पार है। कसम से भाई लोग बता रहा हूं, अगर सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इनको जॉब नहीं देंगे ना, तो ऐसे 100-100 चैनल रोज खुलेंगे। वाह मोदी जी वाह। अब दिवाली है तो शॉपिंग तो करेंगे ना, और हर बार की तरह लड़कियों का भिंडी रोना चालू, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आई थिंक इस साल की दिवाली मेरी लाइफ की सबसे घटिया दिवाली है, तुमने ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, मुझे कुछ न्यू चाहिए। अरे ओ महारानी विक्टोरिया की छोटी बहन, यहाँ हम सालों से एक सट को घिस रहे हैं। हम जब तक पहनते हैं जब तक इनमें 100-200 ब्लैक होल ना हो जाए, या फिर ये बाथरूम का पोछा बनने लायक ना हो जाए। बड़ी आई, ये चाहिए वो चाहिए। फिर आएंगे कुछ ऐसे चूतिए जो आपको दिवाली पे अमीर होने का तरीका बताएंगे। मतलब हम सारे यहाँ चूतिए बैठे, दिवाली पे दीवाना निकला हुआ है, भूखे नंगे घूम रहे हैं, और तुम यहाँ प्लान पे प्लान बताए जा रहे हो अमीर बनने का। अरे उस हिसाब से दुनिया के सारे बिजनेसमैन चूतिए साले, उन सब छोड़ो ना बिलियनर बिजनेस, तुम्हारा प्लान सुनो प्लान। अरे ऐसा स्किन तो जियो भी नहीं देता है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। जो कभी अपनी लाइफ में 1 रुपए का बीड़ी भी नहीं फूका होगा, वो भी दिवाली के दिन उसामा बिन लादिन बन जाता है, ले बम पे बम फोड़ना चालू। बताइए, आतिशबाजी के नाम पर आतंकवादी संगठन ही बना लियो बे। देश के सारे अलकायदा और सारे जिहादी एक साथ देखने को मिलेगा। कोई केबिन के पीछे बम फोड़ेगा तो कोई टॉयलेट के पीछे बम फोड़ेगा। हम साल भर देश की गरीबी की बात करते हैं, और दिवाली को पता चलता है देश का सबसे गरीब इंसान तो हमारा दोस्त है। साला एक माचिस लेके आ जाता है और बोलता है, भाई वो एक फुलझड़ी देना, भाई वो एक रॉकेट देना, भाई वो एक चकली देना, भाई एक अनार बम देना, भाई वो एक फटाका देना, भाई वो रस्सी देना। अबे आप क्या फ्री प्रॉपर्टी मांग लेगा मेरे से? फिर आते कुछ ऐसे दोस्त जो घर पे आएंगे, बैठेंगे, एक मिठाई मांगेंगे, एक मिठाई के नाम पे पूरा डब्बा खाली कर देंगे, डकार मार के कहेंगे, भाई मजा नहीं आया, दूसरा वाला मिठाई देना। मरना तेरे को डर नहीं लगता? फिर आते कुछ ऐसे गेस्ट जिनकी हम खूब खातिरदारी करते, तारीफ करते, और लास्ट में जब ये जेब में हाथ डालते तो हम सोचते कितना देगा, 1,000-2,000। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, हाथ मुंह पोछा घिसक गया। और एक है अपना ऑनलाइन शॉपिंग, जो अपने 20,000 के प्रोडक्ट को 30,000 करके 5,000 का डिस्काउंट देके 25,000 में बेचते हैं, कुल मिला के हमारा हुतिया काट लेते हैं। अगर आपको पैसे ही बचाना है तो जब तक फेस्टिवल है, जब तक अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ऐप्स को डिलीट मार दो, सिंपल, पैसा बचेगा। जैसे ही दिवाली चालू होती है, कुछ सेलिब्रिटी के अंदर सत्य महापुरुष की आत्मा प्रकट हो जाती है, और फिर क्या, ज्ञानी बन जाते और ज्ञान बांटना चालू कर देते हैं, जिन पे हालांकि ये खुद अमल नहीं करते। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Let Diwali be about lights and laddus and love and not pollution. Reduce the use of firecrackers. और जो तू खुद दिन रात अपने पति लोग के साथ चरस गांजा फूकती है, वो क्या है? वो क्या एनर्जी ड्रिंक है क्या? खुद करे तो शाबाशी, हम करे तो याशी। और अगर बात रही ग्लोबल वार्मिंग का, तो पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ कम काटो, लेकिन किसी का फेस्टिवल मत खराब करो। एक दिन में कितना ग्लोबल वार्मिंग रोक लोगे? लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ बर्ड्स या एनिमल्स हो वहाँ फटाके मत फोड़ो, इनको भी जीने कहा गया, बेवजह इनकी जान मत लो, ठीक है? तो बस यार, आज के लिए इतना ही। आपको और आप सबकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। बाकी कमेंट सेक्शन में मिठाई उठाई भेज दो, और अगर नहीं भेजे तो काट के फेंक दो। भाई भाई भाई, क्या हुआ?